नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज खबरें अब तक में बात होगी राहुल गांधी की नई गलती की, बिहार में नीतीश बाबू की नई रणनीति की और मलाइका अरोड़ा के पिता की आत्महत्या की। साथ ही आज कौन सी खबरें रही चर्चा का विषय ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी मिल रहा यौन अपराध से जुड़े मामलों में न्याय दावा, 2023 में 94% केस निपटे। रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2022 में जहां 63% और 2023 में 94% मामलों का निपटारा किया गया, वहीं अन्य भारतीय अदालतें यौन शोषण से जुड़े अपराध के महज 10% मामलों का निपटारा कर सकी। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्क्लेव को राजनाथ ने किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने सीमा सड़क संगठन के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में 8,500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई। एकला चलो की नीति के तहत आपकी चौथी लिस्ट जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट और 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 90 सीटों में से पार्टी अब तक कुल 61 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कोलकाता रेप मर्डर केस में आया नया मोड़। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल इस केस में अब तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं। इस जघन्य घटना को अंजाम देने वाले भी सलाखों के पीछे, हालांकि अब तक ना तो दोष सिद्ध हुआ है और ना ही सजा का ऐलान, लेकिन इस बीच जांच में कई तरीके के खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे होश उड़ा रहे हैं। उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 398 अंक टूटा। निफ्टी 24,950 के नीचे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बुधवार को सेंसेक्स 398 अंकों की गिरावट के साथ 81,523 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 122 अंक टूटकर 24,918 पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आज की वायरल वीडियो के बारे में बता देते हैं। मध्य प्रदेश के मैहर से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी विकास नहीं पहुंच पाया है। सरकार के विकास के दावों की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पहले तो देखिए ये वीडियो। चलिए होगा ये। दरअसल ये मामला अमरपाटन जिले के रोहिया गांव का है। यहां पर सड़क ना होने और कमर तक पानी में चलकर ग्रामीण कंधे पर अर्थी ले गए और अंतिम संस्कार किया। सड़क के लिए फंड तो पास हुआ, लेकिन निर्माण कागजों में ही नजर आ रहा है। बारिश के दिनों में अक्सर लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है। एमपी में इन दिनों तेज बारिश हो रही है। भोपाल समेत 30 से ज्यादा जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई इलाकों का यही हाल है जो सरकार की बदहाली की सूरत को उजागर करता है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर भारत के नेताओं की नींद उड़ा दी है। वहां राहुल गांधी भारत पर कई बातें बोल रहे हैं, वहां कई लोगों से मिल रहे हैं और यहां भाजपा के नेताओं की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान मंगलवार को अमेरिकी सांसद इलहान उमर से मुलाकात की, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं की चिंता बढ़ गई। दरअसल इलहान उमर भारत विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। वहीं राहुल गांधी के कई बयानों पर बवाल छिड़ गया है। राहुल गांधी ने सिखों को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने भारतीय सिखों को लेकर अमेरिका में जो बयान दिया, अब उसकी हकीकत सामने आ गई है। सिखों को लेकर वह रिपोर्ट सामने आ गई है जो राहुल गांधी के बयान को झूठा साबित करती है।
भारतीय सिखों वाली इस रिपोर्ट को पढ़कर खुद राहुल गांधी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। दरअसल सबसे पहले बताते हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय सिखों को लेकर क्या बयान दिया है। राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा, लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। लड़ाई इस बात के लिए है और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। अब राहुल का यही वाला बयान वायरल हो रहा है, लेकिन अब इस मामले में प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट साल 2021 की है, लेकिन इस मामले में जरूर देखी जानी चाहिए। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 95% सिख खुद को भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, बहुमत यानी 70% सिखों का मानना है कि जो व्यक्ति भारत का अनादर करता है वो सिख हो ही नहीं सकता। भारत के अन्य धार्मिक समूहों की तरह अधिकांश सिखों को ऐसा नहीं लगता कि उनके समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। वहीं अब राहुल गांधी के बयान पर सभी हमलावर हैं और कहा जा रहा है कि वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने भी राहुल गांधी को खूब फटकार लगाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल की टिप्पणी भयावह है, क्योंकि उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए विदेश में रह रहे सिख समुदाय के सदस्यों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका में राहुल गांधी के बयान उनकी पार लगती हुई नैया को कहीं ना कहीं डुबाने पर तुले हुए हैं, मगर गांधी हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब राहुल गांधी वापस आते हैं तो राजनीति में क्या हलचल पैदा होती है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। बिहार में अगले साल चुनाव होंगे, लेकिन तैयारियों में अभी से सभी जुटे हैं। सभी की कोशिश है कि सत्ता बदल जाए, किसी तरह सत्ता की कुर्सी फिर से पुरानी पार्टी के पास चली जाए, लेकिन क्या है ये इतना आसान नहीं। जीतेगा वही जिसके पास होंगे नीतीश बाबू। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं आंकड़े। इतिहास गवाही दे रहा है, अब बिहार की सत्ता में रहने के लिए नीतीश कुमार जरूरी हो गए हैं। ये धारणा आम आदमी की नहीं है, ये राजनीतिक दलों का मानना है। भले ही ये बात कोई मुखर होकर नहीं कहता, लेकिन हर दल का यही प्रयास रहता है कि नीतीश कुमार उसके साथ आ जाएं। नीतीश जब आरजेडी के साथ होते हैं तो उसे सत्ता का सुख मिल जाता है, और जब भाजपा के साथ रहते हैं तो भाजपा सत्ता में शामिल हो जाती है। हालत यह है कि स्वतंत्र रूप से ना आरजेडी को सत्ता पाने की उम्मीद है और ना भाजपा को ही। ऐसी कोशिश कभी की, बिहार की सियासत में बैलेंसिंग पावर नीतीश बन गए हैं। साल 2015 हो या 2022, आरजेडी को सत्ता का स्वाद अगर मिला तो वह नीतीश की कृपा से ही संभव हो पाया। इसी तरह 2005 से 2015 तक लगातार भाजपा ने नीतीश के साथ का लाभ उठाया। बीच के दो मौकों को छोड़कर बाकी समय चेरी के रूप में भाजपा नीतीश कुमार के साथ ही सटी रही। कहा जा सकता है कि हारती बाजी को अपनी ओर मोड़ना कोई नीतीश कुमार से सीखे। जातीय समीकरण से कामयाबी का मंसूबा पालने वाले दलों को नीतीश ने बता दिया कि इसके बिना भी कामयाब हुआ जा सकता है। लवकुश समीकरण के 10-12% वोटों से नीतीश 2 दशक तक लगातार सीएम नहीं रह सकते थे, इसलिए नीतीश ने ऐसा समीकरण बनाया जिसमें हर जाति के थोड़े बहुत वोट उनको मिलते रहे। ये सब उन्होंने कैसे किया वो भी बता देते हैं। पसमांदा मुसलमानों की श्रेणी नीतीश ने बनाई और पिछले तबके के मुसलमानों को अपने पाले में किया। दलित महादलित कैटेगरी बनाकर नीतीश ने दलित वोट साधे। राजनीति में वर्चस्व रखने वाली भूमिहार जाति को उन्होंने अपना बनाए रखा। राजपूतों के लिए उन्होंने आनंद मोहन और उनके परिवार को चुना। ब्राह्मण वोटों के लिए संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कुशवाहा समाज को साथ रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा उम्मीदवारी पर कोई अड़ंगा नहीं डाला। देखा जाए तो हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बराबर 12 सीटें लाकर नीतीश ने साबित कर दिया है कि उनका जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके राजनीतिक कौशल का परिणाम ही था कि 43 विधायकों के बावजूद उनसे अधिक सीटें लाने वाले आरजेडी और बीजेपी ने उनका शागिर्द बनना मुनासिब समझा।
अब तो नीतीश बिहार की राजनीति के हॉटकेक बन गए हैं। भाजपा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है तो आरजेडी उनके लिए 24 घंटे पलक पावड़े बिछाए रहता है। अब ये नीतीश पर निर्भर है कि वे किसके साथ जाएंगे, पर इतना तय है कि वे जिधर होंगे सरकार उसी की बनेगी। राजनीति के साथ साथ बॉलीवुड के लिए बड़ा हैरान कर देने वाला दिन रहा। आज अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता ने आत्महत्या कर ली। मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा के निधन की खबर ने पूरे फिल्म उद्योग को झंझोर कर रख दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अनिल अरोड़ा ने मुंबई के बांद्रा में एक इमारत की छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के समय पुणे में मौजूद मलाइका अरोड़ा मैक्सिमम सिटी पहुंची। उनके पूर्व पति अरबाज खान स्थिति का जायजा लेने के लिए आवास पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने कहा कि उनकी आत्महत्या के पीछे का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि फिलहाल जांच चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार अनिल अरोड़ा किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थे। अनिल अरोड़ा का परिवार इस वक्त सदमे में है। देखा जाए तो बेटी के लिए पिता की आत्महत्या की खबर सदमे से कम नहीं है। ऐसे में इस मौत का राज कब तक पुलिस खोल पाती है और हर पहलू तक पहुंच पाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज दिन भर क्या हुआ खास वो भी बता देते हैं। आज भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत में रूसी सेना में धोखे से शामिल किए गए कम से कम 15 युवाओं को रिहा कर दिया गया। राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि 15 में से 5 पंजाब से और 1 हरियाणा से था। वहीं आज जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और कठुआ जिलों के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजनीति शिमला के संजोली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में बुधवार को हिंदूवादी संगठनों की ओर से उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी ढली टनल पर बैरिकेड्स तोड़कर संजोली बाजार पहुंचे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 4 पुलिसकर्मियों के साथ 8 से अधिक प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बिहारवासियों को 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता बिजली के महंगे बिल देते देते थक चुकी है, इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी ताकि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, जाते जाते एक बात आपसे जरूर करेंगे। आपको हैरानी होगी कि आजकल आपकी निजी जानकारी 150 से 300 रुपए में बिक रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी फ्लाइट डिटेल्स, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, कार इंश्योरेंस, यहाँ तक कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदा, ये सब डेटा कलेक्टर्स के हाथ लग रहा है। कॉल सेंटर, बीपीओ और टेलीमार्केट्स के कर्मचारी ये जानकारी खरीद रहे हैं। ये खुलासा एक अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट में हुआ है। डिजिटल प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत से तरीकों से डेटा लीक हो रहा है और ये एक बड़ा बिजनेस बन गया है जिस पर सरकार के साथ सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सरकार भी इस पर काम कर रही है, लेकिन आपको भी समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी इन निजी चीज़ों की जानकारी कभी भी किसी तरह शेयर ना करें। बीपीओ या कॉल सेंटर पर बात करते वक्त भी ध्यान दें। आज टेक्नोलॉजी के विस्तार की वजह से आपकी एक गलती भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। फिलहाल इसी के साथ जाते जाते पेश है आपके लिए आज का सुविचार। बड़ी लड़ाई हौसले से ही लड़ी जा सकती है। संसाधनों की कमी का रोना रोने वाले कभी शिखर पर नहीं पहुंचते हैं।